फुर्सत मिली उसको? ऑनलाइन है लेकिन एक मैसेज नहीं कर सकती वो, कोई फीलिंग्स ही नहीं है यार। करो सबसे बातें, करो, ऐसा नहीं कि एक बार सॉरी बोल, करने दो उसको जो करना है, मैं भी इस बार नहीं बोलूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे कहाँ है तू यार, एटलीस्ट फोन तो उठा, देख तुझे कितने कॉल किए हैं मैंने। एक फ्रेंड के साथ काम में थी इसलिए दिमाग से निकल गया और कुछ नहीं जुड़ा। तेरे पास सबके लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, कदर ही नहीं है मेरी तो। ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं सुनना, तुम है ना अपना काम करो। हाँ काम तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम अपना काम करो, ठीक है? बाय, मुझे कुछ नहीं सुनना, बाय। हेलो, अरे अंकु का ही होगा। हेलो, हाँ बोल। हेलो सर, वो क्लाइंट का फोन आया था। अरे हाँ यार, मेरी बात हो चुकी थी उससे, बट सर मीटिंग। अरे पर उसका इवेंट 10 दिन के बाद है यार। सर वो क्लाइंट। हाँ ठीक है, चल मैं परसों मिल लेता हूँ, ठीक है? सर हाँ, अभी फोन रख यार, चल। क्या हुआ चीकू? अरे कुछ नहीं माँ, ये देखो ना सलून वाले ने कैसे बाल काट दिए, पता नहीं कब नॉर्मल होंगे। ला मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। हाँ ठीक है चलो लगाओ। रुक मैं तेल लेकर आती हूँ। चीकू एक बात बता। अगर इन बालों में तेल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? ये कैसा सवाल है माँ, बता तो सही। अरे रुखे सूखे हो जाएंगे बाल, और क्या। और रुखे सूखे बालों में कंघी करेंगे तो क्या होगा? जड़ जाएंगे मम्मी, और क्या। बस इसी तरह से बेटा, ईगो में रिश्ते रुखे सूखे होकर खींचने लगते हैं और फिर टूट जाते हैं। रिलेशनशिप नीड्स ऑयलिंग ऑफ लव एंड केयर। मतलब? जो चीज हो चुकी है उसे जाने दे, अंकिता से बात कर ले। आपको कैसे पता चला माँ मेरा और अंकिता का झगड़ा हुआ है? बेटा माँ हूँ मैं तेरी, जब तू बोल नहीं पाता था तब भी समझ जाती थी, अब तू बोलने लगा है तेरी परेशानी अच्छे से समझ सकती हूँ। माँ अंकिता का कॉल आया था क्या? जब तू ऑफिस के काम से बाहर गया था तब वो मेरे हालचाल पूछने आई थी, उसका चेहरा साफ बता रहा था कि तुम दोनों में बातचीत बंद हो गई है, आंखें दिल का हाल बयां कर देती है, ये वो बातें भी बता देती है जो हम नहीं कहते। कट योर ईगो एंड से सॉरी। एक बात बताओ मम्मी, पापा आपको कैसे मनाते थे? वो तो मुझे पोइट्री लिखकर मनाया करते थे, कभी खुद की लिखी हुई कभी दूसरों की। जैसे कि हाँ, एक बार हमारे बीच बहुत कहा सुनी हुई। अगली सुबह जब मैं उठी तब बेड के पास एक लेटर पड़ा हुआ था। क्या लिखा था उसमें? क्यों नाराज हो तुम मुझसे? मनाना अक्सर भारी पड़ जाता है मुझे, यूं तो रुककर तुम गुस्से में और भी हसीन लगती हो, पर जब बात नहीं करती तो एकदम छोटे बच्चों जैसी लगती हो। कभी कभी तो जैसे चॉकलेट से मान जाती हो, कभी कभी उठक बैठक करवाती हो। नहीं कोई शर्म या चिंता मुझे इस जमाने की। मजा तो तब आता है जब हम कान भी पकड़े तो तुम मुस्कुराती हो। कभी कभी मजा आता है तुम्हें मनाने में, कभी कभी दम निकल जाता है तुम्हें वापस पुराना मूड में लाने में। पल में अगर रूट जाया करती हो तो एक गुजारिश है मेरी, करता हूं पल में ही मान जाया करो, पल में ही मान जाया करो, यूं ना सताया करो।
अपनी नजरों को हमारी नजरों से यूं ना हटाया करो। बस समझकर हमारी नादानी मुस्कुराया करो और सब भुलाया करो। चाहे तो सजा सुनाया करो या फिर माफ कर हमें बस गले लगाया करो। रिश्तों में छोटे मोटे झगड़े और नोकझोंक भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बस जरूरत है तो एक जो माफी मांग ले, दूसरा जो माफ कर ले। हे, I'm sorry. Smile please. फिर क्या हो मम्मा? वो जाकिर खान नहीं बोलता है बेटा। वैसे तो मैं भी बहुत सख्त हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिघल गई। हाँ, तुम पिघल गई? क्या बात करते हो। और मम्मी, वो मुझे लेटर मिल सकता है? लेटर? हाँ। But don't try to copy him. Be yourself. हेलो। हाँ अंकू। हाँ बोलो। आई एम सॉरी। कैन वी मीट? क्यों, मिलके तो तुम्हें झगड़ा ही करना होता है हर बार की तरह। इस बार भी मिलके इस बार भी झगड़ा करोगे? अरे नहीं रे। और हाँ, ये सोच रहे हो ना, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है फिर भी मैसेज नहीं कर रही है। वाह, तुम तो अंतर्यामी हो। वो तो मैं हूँ। और सुनो ना मिस अंतर्यामी, सॉरी बाबा। ठीक है, शाम को शार्प 5 बजे। लेट हुए ना तो 5:05 को तो मैं निकल जाऊंगी। ठीक है।